subscribe this channel, press the red button and this bell icon to never miss an update from Ambrose. Hello, what's up guys, this is Rehan and welcome back to Ambrose Reactions. और आज हम एक नया session start कर रहे हैं हमारे पेज पर, जहां पर मैं आपको दूंगा entertainment की कुछ न्यूज़ जो कि फेमस है, और हर दो तीन दिन में मैं ऐसे न्यूज़ वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो आज की पहली फिल्म है फिल्म वरना का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो वरना काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है अपने पहले वीकेंड में। इस मूवी ने 2.7 करोड़ का बिजनेस कर लिया। सैटरडे को इसने 1.12 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन संडे को यार इसका कलेक्शन गिर के 90 लाख हो गया। मुझे समझ में नहीं आया इसका कलेक्शन संडे को गिर क्यों गया। संडे को तो यार छुट्टी वाला दिन होता है क्या? पाकिस्तान में संडे को छुट्टी नहीं होती? अगर नहीं होती तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये बात मुझे पता नहीं है। और सेकेंड न्यूज़ आ रही है फिल्म गोलमाल अगेन की। ये मूवी तो बॉलीवुड की है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। और अभी तक इस मूवी ने पाकिस्तान में 11 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, 11.68 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अगर इसने पहले वीकेंड की बात करें तो पहले वीकेंड में लगभग 6 करोड़ का बिजनेस इसने किया था, और ऐसे करते करते अपने फोर्थ वीकेंड तक इसने 11 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। सो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए। और 2017 की अगर हिंदी मूवीज़ की बात करें तो गोलमाल टॉप पर आ गई है जिसने पाकिस्तान में इतना बिजनेस कर लिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसने टोटल 204 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, और वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का बिजनेस इसने कर लिया है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है इस बार रोहित शेट्टी। इसके बाद जो न्यूज़ आती है वो आती है फिल्म मन जाओना के बारे में। सो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, ट्रेलर का रिएक्शन भी मैंने बनाया है, और काफ़ी मज़ेदार ट्रेलर लगा मुझे। लेकिन इससे कुछ ऑडियंस को, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं यार तुम इंडिया के ट्रेडिशन की कॉपी क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस मूवी में इन्होंने होली खेली है। तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने होली क्यों खेली इस मूवी में और कॉपी क्यों कर रहे हो। यार मुझे नहीं लगता है ये सब बोलना वैलिड चीज़ें हैं, क्योंकि यार होली खेलना तो एक फन लविंग चीज़ है, मज़े के लिए खेलते हैं लोग। और कॉपी करने की बात है जहाँ तक, तो हम तो यार बचपन से ही कॉपी कर करके ही सब कुछ सीखे हैं। इवन हम बोलना भी अपने बड़ों को देखकर सीखे हैं, और उनको कॉपी करने के बाद ही हम बोलने लगे, दूसरों को देखकर ही हम चलना सीखे। सो कॉपी तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। और थर्ड न्यूज़ की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी सुपरहिट फिल्म जवानी फिर नहीं यानी के सेकेंड पार्ट का पोस्टर रिलीज़ हो गया है। इस पोस्टर में देखा जाए तो अहमद अली भट्ट और फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और वसी चौधरी, ये सब काफ़ी कमाल लग रहे हैं, और काफ़ी फैशनेबल लग रहे हैं, और काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं। हुमायूं सईद को हमने पंजाब नहीं जाऊंगी में जो देसी रोल में देखा था, इसमें एकदम अपोजिट रोल कर रहे हैं, एकदम बन ठन के फॉरेनर लग रहे हैं, काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। और फहद मुस्तफ़ा तो कमाल लग रहे हैं, फहद मुस्तफ़ा के तो बहुत सारी लड़कियां फ़ैन हैं, तो काफ़ी खुश हो गई हैं लड़कियां उन्हें देखकर। और इस मूवी की रिलीज़ डेट भी आ गई है। सो ये मूवी 2018 के ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी, जस्ट लाइक नदीम बेग की जो लास्ट मूवी थी पंजाब नहीं जाऊँगी, वो 2017 ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हुई थी, काफ़ी कमाल की मूवी थी। और ये मूवी भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, ऐसा लग रहा है पोस्टर देखकर। और नेक्स्ट न्यूज़ है, अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो बिग बॉस में कल के दिन जो सॉन्ग बजा था मॉर्निंग में जब उठते हैं, वो बजा था तू खींच मेरी फ़ोटो, जो कि मावरा हुसैन की एक फ़िल्म का है जिसका नाम था सनम तेरी कसम। सो बिग बॉस में कल के दिन उस मूवी का एक सॉन्ग बजा था जिसका नाम था तू खींच मेरी फ़ोटो। शायद आप सभी ने उस सॉन्ग को सुना होगा, और मावरा ने उसके बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है हाउ क्यूट आर दिस बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट आर डांसिंग ऑन टू खींच मेरी फ़ोटो। सो मावरा को काफ़ी खुशी हुई कि उनका सॉन्ग बिग बॉस में बजा। इस बात करते हैं महवेश हयात की, तो उन्होंने अपने म्यूज़िक टूर से आकर एक हेयर ट्रीटमेंट करवाया है, जिसमें उन्होंने अपने हेयर्स को काफ़ी शॉर्ट करवा लिया, लेकिन वो शॉर्ट हेयर में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी कमाल की वो लग रही हैं। और ये हेयर स्टाइल उन्होंने आकिफ़ इलियास, जो कि पाकिस्तान के एक फेमस फोटोग्राफ़र हैं, उनके लिए एक शूट के लिए करवाई है।
और वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं इस लुक में। जाते जाते एक स्टोरी सुन लो। क्या होता है, बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम तो नहीं, 22 ईयर्स पहले मान लो, दो लड़का, मतलब एक लड़का और एक लड़की, एक कपल होते हैं और वो दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। और लड़की तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती है उस बंदे से, लेकिन बंदा जो रहता है दगाबाज निकल जाता है और वो उसे छोड़कर भाग जाता है, और वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो होते हैं, जो लड़की रहती है उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन करवा लो, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और वो उस बच्चे को जन्म देती है। और वो बच्चा, पता है आपको कौन है? वो बच्चा है ये जस्टिन बेबर, जिसके आज लाखों करोड़ों फैंस हैं। सोचिए आज उस बंदे को कितना गिल्टी फील हो रहा होगा जो भी उस लड़की को छोड़कर गया होगा। वो ये काफ़ी अच्छा सीख देती है एक स्टोरी, और ये एक रियल इंसिडेंट है और काफ़ी अच्छी एक सीख देती है, सबक देती है। जाते जाते आप लोगों को ये स्टोरी मुझे सुनाना थी, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इसका लिंक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। क्योंकि अब मैं डेली डेली तो नहीं, 2-3 दिन में इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि यार डेली न्यूज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे यार कि रिएक्शन के अलावा भी वीडियोज़ आप बनाओ, मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ अलग। आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।